नमस्कार मैं हूँ राहुल शर्मा आप देख रहे हैं एस न्यूज स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में और बड़ी खबर की शुरुआत देखिए इस वक्त हम कर रहे हैं 2024 साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की अगर मैं बात करता हूँ तो साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा हालांकि दो से पहले तमाम बड़े सी जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं जिनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं हालाँकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हों या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों ये आ, तमाम लोग जो हैं वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं लेकिन एक देश में इतने प्रधानमंत्री नहीं हो सकते ये एक सबसे बड़ा सवाल है और दूसरी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है दूसरी सबसे बड़ी बात ये दिखाई दे रही है कि मौजूदा समय में जब उद्धव ठाकरे से सवाल पूछा जाता है कि 2024 में आप प्रधानमंत्री के तौर पर खुद को देख रहे हैं उन्होंने कहा नहीं मैं 2024 में खुद को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देख रहा क्योंकि तो बीजेपी का सामना करना एक अकेली पार्टी के बस की बात नहीं है उन्होंने अपने मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा उनके संपादक किए उनके मुखपत्र सामना जो है उसमें एक लेख है संपादकीय जिसमें ये कहा गया विपक्षी पार्टियों से कि उन्हें इस वक्त एक होने की ज़रूरत है विपक्षी पार्टियों को इस वक्त साथ आने की ज़रूरत है और विपक्ष अगर साथ आकर चुनाव लड़ेगा तो इसका सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता नज़र आएगा विपक्ष अगर एक साथ आकर चुनाव लड़ेगा इसका पूरा पूरा फोकस दिखता नज़र आएगा देखिए मौजूदा समय की अगर बात करूँ तो फ़िलहाल जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बताते हैं वो कहीं ना कहीं ये साफ़ तौर पर बताते हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर सबसे ज़्यादा जो मुश्किलें हैं वो लगातार क्या अब आ, मैं अगर कहूँ तो उद्धव ठाकरे को होती नजर आ रही है या विपक्ष को होती नजर आ रही है और संपादक संपादकीय देखिए मुखपत्र सामना में जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ आने का न्योता दे रहे हैं उद्धव ठाकरे या सबको एक साथ आ, लाने की बात कर रहे हैं क्या वाकई विपक्ष एक हो जाएगा हालांकि कोशिश ये की जा रही है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि जो छोटा छोटा कुंबा उन्होंने बनाया हुआ है उस पूरे कुनबे को एक साथ मिलाया जाए एक साथ मिलकर बीजेपी का सामना किया जाए तो ज्यादा इसका फर्क पड़ेगा आज के लिए क्रेता ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजिए नमस्कार